Hello, welcome you all to my channel. And the topic of today's discussion is raw scores, standard scores, and normalized score. Okay, join my Telegram group Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College. It is a constituent college of University of Allahabad. This is my email ID, and this video will be useful for certain types of teaching examinations. And subscribe my channel. So let's start the topic. सबसे पहले जाने रॉ स्कोर हम लोग बात किस पर करने जा रहे हैं, रॉ स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बारे में। तो सबसे पहले जाने की बातचीत का विषय कहाँ से शुरू होगा कि जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, है ना, जब हम कोई परीक्षण करते हैं तो अगर हमारे पास जो स्कोर निकल के आता है हम उसको एज इट इज इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रॉ स्कोर होता है, उसको हमको पहले किसी एक पैमाने पर लाना होता है, किसी एक स्केल पर लाना होता है, तब हम उसकी तुलना कर सकते हैं आपस में, तभी हम इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो अगर हमने मान लीजिए इंटेलिजेंस टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम कैसे बता पाएंगे कि कौन किससे बेहतर इंटेलिजेंस रखता है, या आप ऐसे इन जनरल समझ लीजिए, एकदम साधारण शब्दों में मान लीजिए कि हम दो टेस्ट हमने दिए, क्लास टेस्ट की ही बात कर लेते हैं, हम नहीं बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की, क्लास टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक विषय में हमने स्कोर किया 80 और दूसरे विषय में हमने स्कोर किया 90, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने एक विषय में दूसरे विषय से अच्छा स्कोर किया है? ये हम तभी बता पाएंगे जब हमको ये पता हो कि बाकी बच्चे, बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे वो कैसा परफॉर्म कर रहे थे, उनके परिप्रेक्ष्य ही तो पता चलेगा हमने अच्छा परफॉर्म किया या खराब। मान लीजिए हमारे हिंदी में आते हैं 60 नंबर और हमारे मैथ्स में आते हैं 80 नंबर, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने हिंदी में खराब परफॉर्म किया और मैथ्स में अच्छा, क्योंकि हो सकता है मैथ्स में बाकी स्टूडेंट्स के 90s के आसपास आए हों, तो इसका मतलब हमने एवरेज से बिलो परफॉर्मेंस दी है, और हिंदी में हो सकता है कि बाकी क्लास 50-55 नंबर तक ही सिमट गई और अगर हमारे 60 आए हैं इसका मतलब हमने एवरेज से अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसलिए रॉ स्कोर से हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, इसीलिए हमको स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जाने कि रॉ स्कोर क्या है। अ रॉ स्कोर इज ए नंबर, एक अंक है, दैट समराइजेस और कैप्चर्स सम एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन्स परफॉर्मेंस इन द केयरफुली सिलेक्टेड एंड ऑब्जर्व बिहेवियर सैंपल दैट मेक अप साइकोलॉजी टेस्ट। यानी कि साइकोलॉजी के टेस्ट हम अगर किसी पे परफॉर्म करते हैं, स्टूडेंट्स पे, पर्सन पे, तो कुछ अंक हमको मिलता है, वही रॉ स्कोर है। या हम क्या कह सकते हैं सिंपली कि इट इज द स्कोर व्हिच द इंडिविजुअल गॉट ऑन हिज परफॉर्मेंस द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट। यानी कि हमने स्टूडेंट्स पे टेस्ट एडमिनिस्टर किया तो जो उसकी परफॉर्मेंस आई वही अंक के फॉर्म में क्या है, रॉ स्कोर है। फिर बाय इटसेल्फ अ रॉ स्कोर डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग, यानी अपने आप में रॉ स्कोर का कोई अर्थ नहीं है, हम उससे कोई अर्थ नहीं निकाल सकते, इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते अपने परिणाम की। तो फिर किस चीज की जरूरत पड़ती है? जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड स्कोर की। क्यों जरूरत पड़ती है? इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्केलिंग। क्यों कहते हैं स्केलिंग? क्योंकि कई स्कोर्स हमको, अलग अलग रॉ स्कोर्स मिल रहे थे, उनको हमने एक स्केल पे ले आए, तो वही स्केलिंग है या वही स्टैंडर्डाइजेशन है। कैसे? टू कन्वे द मीनिंग ऑफ टेस्ट स्कोर्स। अगर हम चाहते हैं कि हम टेस्ट स्कोर की मीनिंग को कन्वे कर सकें रिलेटिव टू ए नॉर्मेटिव और रेफरेंस ग्रुप, अगर हमारे पास कोई नॉर्म है, कोई रेफरेंस ग्रुप है, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके सापेक्ष हम अर्थ की व्याख्या करना चाहते हैं, रिजल्ट की व्याख्या करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म इज टू ट्रांसफॉर्म रॉ स्कोर्स इंटू स्केल्स। हम क्या करेंगे, रॉ स्कोर को ऐसी स्केल में बदल देंगे दैट एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ स्कोर्स रिलेटिव टू मीन इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स। यानी हमको ये पता चल जाए कि जो अंक मिला है वो माध्य से कितना दूर है, मतलब कितना पास है, हम माध्य से कितना विचलन हम शो कर रहे हैं, मतलब हमको ये जानना है कि हम एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं या हायर अबव एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, है ना। तो मीन यानी कि मैक्सिमम लोगों की जो परफॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि हम मीन से कितना पॉइंट डेविएटेड हैं। दिस कन्वर्जन प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजिंग। ये जो प्रोसेस है यही कहलाता है क्या, स्टैंडर्डाइजिंग। और दिस कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय मीन्स ऑफ सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
आप और पढ़ेंगे तो जानेंगे कि रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में हम दो तरीके से बदल सकते हैं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एक नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रेखीय हम चेंज कर रहे हैं। तो रेखीय चेंज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो उनका बेसिक नेचर समान रहता है। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस द यूनिट्स इन विच स्कोर्स आर एक्सप्रेस्ड व्हाइल लीविंग द इंटर रिलेशनशिप्स अमंग देम अनअल्टर्ड। मतलब उनके बीच का जो अंतर संबंध है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ मान चेंज होता है। किसमें? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो फिर और क्या फायदा है स्टैंडर्ड स्कोर का? अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसीजर इज दैट द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्कोर्स ऑफ टेस्ट्स विद डिफरेंट मींस स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड स्कोर रेंजेस कैन बी मीनिंगफुली कंपेयर्ड एंड एवरेज। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमको बहुत सारे हमको स्कोर पता है, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, हमको मीन पता है, तो हम उनको आपस में एक स्केल पर ले आएंगे, किसी भी एक स्केल पर, और फिर उसकी तुलना कर सकते हैं। वंस दे हैव बीन लीनियरली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए कॉमन स्केल एज लॉन्ग एज द सेम रेफरेंस ग्रुप इज यूज्ड, है ना। यानी कि जो रेफरेंस ग्रुप है वो सेम हम यूज कर रहे हैं और उनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हमने रॉ स्कोर को किसी एक स्टैंडर्ड स्कोर में बदल दिया। तो जब सारे रॉ स्कोर एक स्टैंडर्ड स्कोर में एक स्केल पे आ जाएंगे, एक पैमाने पे आ जाएंगे, तब हम बता पाएंगे कि हाँ हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, खराब परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया। ओके, फिर ए स्टैंडर्ड स्कोर इज वेयर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर द सेम फॉर ए सेट ऑफ स्कोर्स। यानी स्टैंडर्ड स्कोर क्या है? वहां जहां एक सेट के जो हमको स्कोर्स पता है उन सब के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? समान है। मेकिंग इट इजी टू कंपेयर देम, तभी तो हम उनको आसानी से कंपेयर कर पाएंगे ना, तभी हम बता पाएंगे कि सबके मीन हमको पता है, सबके स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो हम बता सकते हैं कि वो मीन से कितना डेविएटेड है, तब हम इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। सारा कुछ किस लिए किया जा रहा है? इंटरप्रिटेशन के लिए, ताकि हम जो रॉ स्कोर है उसको कोई अर्थ प्रोवाइड कर सकें। इसीलिए हमने रॉ स्कोर को बदल दिया है किसमें? स्टैंडर्ड स्कोर में। तो स्टैंडर्ड स्कोर जब हमसे पूछा जाता है, पढ़ाया जाता है, तो हमको जो मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड स्कोर है वो है जेड स्कोर। ये इतना कॉमन है कि कभी कभी जेड स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर कह दिया जाता है, जबकि स्टैंडर्ड स्कोर का एक टाइप है जेड स्कोर। तो जेड स्कोर क्या है? दिस जेड स्कोर आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड स्कोर, देखिए इसको स्टैंडर्ड स्कोर भी के नाम से भी जाना जाता है, इज ए स्टैटिस्टिक। ये एक प्रकार की स्टैटिस्टिक है जो बताती है, दैट टेल्स अस वेयर अ स्कोर लाइज, जो बताती है हमारा स्कोर कहाँ लाई करता है, मतलब कहाँ रहता है, इन रिलेशन टू द पॉपुलेशन मीन, जो जनसंख्या का माध्य है उसके सापेक्ष हमारा मान कहाँ है, ये बताता है कौन? जेड स्कोर। अ पॉजिटिव जेड स्कोर मींस अगर हमारा मान धनात्मक आया है, इसका मतलब क्या है कि हम अबव मीन परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाइल अ नेगेटिव जेड स्कोर मींस दैट द स्कोर इज बिलो द मींस। और अगर हमारा नेगेटिव मान आया है जेड स्कोर का, इसका मतलब कि हमने माध्य से खराब परफॉर्मेंस दी है, कमतर है हमारी परफॉर्मेंस। फिर इन एडिशन द जेड स्कोर आल्सो टेल्स अस हाउ फार द स्कोर इज फ्रॉम द मीन। इसके अलावा जेड स्कोर हमको ये भी बताता है कि मीन से हम कितना दूर हैं। जब आपको एनपीसी बनाएंगे अगले आगे की कुछ स्लाइड में, तब आप इसको समझ पाएंगे। वैसे भी आप अपने मन में कल्पना कर सकते हैं एनपीसी की, कि हम कितने स्टैंडर्ड डेविएशन विचलन में हैं। जितना ज्यादा है हमको पता चल जाएगा मीन से, मीन क्या है? मिडिल पॉइंट, उससे हम कितना दूर हैं। इट इज अ वेरी यूजफुल स्टैटिस्टिक बिकॉज इट अलाउज अस टू कंपेयर टू स्कोर्स कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है, क्यों? क्योंकि ये हमको अनुमति देती है कि हम दो स्कोर्स की तुलना कर सकते हैं जबकि वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हों। देन जेड स्कोर्स और क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने क्या किया है? रॉ स्कोर को बदल दिया है किसमें? स्टैंडर्ड स्कोर में। और जबकि हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए? मीन पता होना चाहिए हमारे सैंपल का, और स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला है रॉ स्कोर को जेड स्कोर में बदलने का, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन एस डी। यहाँ पे एक्स क्या है? रॉ स्कोर है, एम क्या है? मीन है, और एस डी क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। और जो ये जो हम स्टैंडर्ड स्कोर बनाते हैं, मतलब जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रॉ स्कोर से स्टैंडर्ड स्कोर में, उसमें आप जितने भी स्टैंडर्ड स्कोर पढ़ेंगे सबका एक आर्बिट्रेरिली मीन और SD उन्होंने सेट कर दिया। किन्होंने? मतलब जो स्टैटिस्टिशियन रहे हैं, जिन्होंने ये सारे स्कोर्स बनाए हैं, जिन्होंने इन पर काम किया, मतलब उन्होंने सेट कर दिया कि इतना मीन रहेगा, इतना स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, और सारे कंप्यूटेशन फिर उसी हिसाब से किए जाते हैं। उसी प्रकार से Z स्कोर का मीन है 0, सेट है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना सेट है? 1। तो आप इस फॉर्मूले से अगर आपको
मीन पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो रॉ स्कोर को जेड स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप इस फॉर्मूले में देखिए एक्स माइनस एम है, यानी कि अगर मीन का मान रॉ स्कोर से ज्यादा है तो जेड का मान किस में आएगा? माइनस में आएगा, है ना, क्योंकि इस राशि का मान अगर ऋणात्मक राशि ज्यादा है तो एक्स में से एम जो भी राशि पड़ी होगी घटेगा और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। एक्स बड़ा है तब तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि जेड का मान माइनस प्लस दोनों आता है, तभी हम बता सकते हैं कि मीन से हम अबव परफॉर्मेंस दे रहे हैं या बिलो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ओके सॉरी, देन इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूशंस अनलेस द मीन एंड दिस एसटी आर आइडेंटिकल इन ईच डिस्ट्रीब्यूशन और इफ द रॉ स्कोर्स कम फ्रॉम द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कब कंपेयर किए जा सकते हैं? जब हमको ये पता हो कि मीन मीन और एसडी क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि एक समान है, या जहां से हमने रॉ स्कोर को लिया है वो एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमिलर होना चाहिए तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। या और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है? और कैरेक्टरिस्टिक है कि लार्जर स्टैंडर्ड स्कोर मीन्स लार्जर डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड स्कोर जितना ज्यादा होगा हम समझ जाएंगे कि हम मीन से उतना ही ज्यादा डेविएशन शो कर रहे हैं। और ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने बता दिया आपको। और कहाँ यूज किया जाता है जेड स्कोर? मोस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जितने भी मतलब अधिकतर अधिकांश जो बुद्धि के परीक्षण है और बहुत सारे उपलब्धि के परीक्षण भी स्टैंडर्ड स्कोर या जेड स्कोर यूज करते हैं अपने इंटरप्रिटेशन में। बताते हैं कितने एस डी प्लस वन से प्लस वन एस डी प्लस प्लस टू एस डी या प्लस माइनस टू एस डी प्लस माइनस वन एस डी, यानी कि हमने माध्य से प्लस वन अच्छा एक स्टैंडर्ड एक मानक विचलन अच्छा परफॉर्म किया है या एक मानक विचलन खराब परफॉर्म किया है। फिर बात करते हैं सी स्कोर की। टी स्कोर, जेड स्कोर और सी स्कोर पूछा जाता है अक्सर, जिसमें से जेड स्कोर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, टी उससे थोड़ा सा कम पॉपुलर है और सी स्कोर लेस पॉपुलर है, पर फिर भी पूछ लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए सी स्कोर क्या है, इसका जो स्केल है वो क्या है, 0 से 10, यानी कि शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से, और लेकर कहाँ तक जाएंगे, 10, तो कुल मान कितने हो गए, 11, है ना, 1 से 10, 10, और 0 एक अधिक मतलब प्लस में है, एक एडिशनल है, तो 11 हो गया, यानी कि स्कोर हमारे पास कितने हैं, 11 प्राप्तांक हैं सी स्कोर में। और दीज स्कोर्स आर ऑर्डर्ड, यानी कि जितने भी ये स्कोर हैं वो ऑर्डर में है, यानी कि 0 वाले का मान सबसे कम है, 1 का उससे ज्यादा मान है, फिर 2 का, फिर 3 का, और 10 वाले का श्रेष्ठतम मान है। फिर रॉ स्कोर्स कैन बी कन्वर्टेड इंटू सी स्कोर, यानी कि सी स्कोर भी एक प्रकार का स्टैंडर्ड स्कोर है, हम इस रॉ स्कोर को सी स्कोर में बदल सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ परसेंटाइल रैंक, परसेंटाइल रैंक, परसेंटाइल रैंक से बदल सकते हैं, या हम जेड स्कोर से भी सी स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? सी इज इक्वल टू 5 + 2z, यानी कि 5 यहाँ क्या है, मीन है। कैसे? देखिए 11 स्कोर है ना, तो 0 से शुरू करेंगे तो पांचवा जो है वो मध्य में आएगा और 5 स्कोर ऊपर और 5 स्कोर नीचे हो जाएंगे उसके, तो सी इज इक्वल टू 5 + 2z, ये इसका फॉर्मूला है। और ये सी स्कोर बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपके कोर्स में है इसलिए आपको पता होना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड स्कोर, हमने बात कर ली रॉ स्कोर की, हमने बात कर ली कि रॉ स्कोर है उसका इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग क्रिएट करने के लिए हमको उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, एक पैमाने पर एक स्केल पर लाना पड़ेगा, तो हम उसको एक स्केल पर ले आए और हमने स्टैंडर्डाइज स्कोर पढ़ लिया। फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर्स हैव द सेम मीनिंग एज लीनियरली डिराइव्ड स्टैंडर्ड स्कोर्स इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल रॉ स्कोर्स दे रिप्रेजेंट रिलेटिव टू देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। हम बार बार क्या बात कर रहे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, उसका अर्थ नहीं बदलता है, वेरिएबल्स के बीच का इंटर रिलेशनशिप चेंज नहीं होता है, बस खास बात क्या होती है, वो जहां से आ रहे हैं जिस पॉपुलेशन से आप उसको ले रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर की कब जरूरत पड़ती है? जब डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है, यानी कि एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो हम दोनों का कंपेयर कैसे करेंगे? तो जो वाला नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उसको भी क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, तभी दोनों की तुलना कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में स्टैंडर्ड स्कोर क्या कहलाएंगे? नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर कहलाएंगे। यही कह रहा है, क्या कह रहा है? कंसेप्चुअली नॉर्मलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स स्ट्रेचिंग द स्क्यूड कर्व इनटू ए शेप ऑफ ए नॉर्मल कर्व। अभी आप लोगों में से कई लोग हो सकता है एनपीसी नहीं जानते हो, स्क्यूड कर्व नहीं जानते हो, तो अभी अगले चित्र में अगले स्लाइड में उसका डायग्राम है, आप समझ जाएंगे कि हमको करना क्या है। एक तो नॉर्मल कर्व है, लेकिन जो दूसरी हमको पॉपुलेशन मिली है वो स्क्यूड है, तो स्क्यूड वाले को खींच के हम स्ट्रेच करके क्या बना देंगे, नॉर्मल, और तब
क्रिएटिंग ए कॉरेस्पॉन्डिंग स्केल ऑफ स्टैंडर्ड स्केल्स, अ स्केल कॉरेस्पॉन्डिंग स्केल ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर्स, अ स्केल दैट इज टेक्निकली रिफर्ड टू एज ए नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर स्केल। तो जब हम स्क्यूड वाले को स्ट्रेच करके नॉर्मल बना देंगे तो उसके जो संगत स्टैंडर्ड स्कोर होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर स्केल कहलाएगा। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ए वॉज नॉर्मल, मान लीजिए ये तो नॉर्मल है ना, आप एनपीसी की कल्पना करिए, ये मीन मीडियन मोड तीनों एक ही बिंदु पे है, 34.13 34.13 68.26 ये इसका आ रहा है प्लस माइनस वन सिग्मा के बीच में। लेकिन जो हमारा डायग्राम बी है, जो हमारा पॉपुलेशन बी है, डिस्ट्रीब्यूशन बी है, वो स्क्यूड है। स्क्यूड है इसका मतलब देखिए ये नेगेटिव स्क्यू और ये पॉजिटिव स्क्यू, इसमें इधर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, इसमें इधर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो ये तो नॉर्मल नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच करके इसको हमको बनाना पड़ेगा नॉर्मल, तभी हम दोनों की आपस में तुलना कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन वुड रिप्रेजेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एरिया सबस्यूम्ड अंडर द कर्व, इसके कर्व के अंदर दूसरा एरिया आ रहा है, इसके कर्व के अंदर का एरिया दूसरा आ रहा है। जब एरिया ही समान नहीं है तो हम कंपेरिजन ही कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए ये प्रक्रिया या ये स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहलाते हैं, जब पॉपुलेशन हमारी डिफरेंट तरह की होती है, एक नॉर्मल होती है और एक स्क्यूड होती है। तो स्क्यूड वाले को नॉर्मल बनाते हैं, इसीलिए स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहलाते हैं। और लास्ट में टी स्कोर, ये भी बहुत पॉपुलर है। टी स्कोर किसने डिवाइस किया है, बाई मैककॉल, 1932 में इन्होंने बना दिया था इसको, और नेम्ड अ टी स्कोर। टी स्कोर नाम क्यों पड़ा, बना मैककॉल रहे क्यों, अपने प्रोफेसर थॉर्नडाइक साहब के नाम पे इसका नाम टी स्कोर पड़ा है। कहीं कहीं टर्मेन का भी नाम आता है कि थॉर्नडाइक और टर्मेन के नाम पे टी स्कोर नाम पड़ा है इसका। फिर इसका मीन और एस डी किस पे सेट है, स्केल विद ए मीन सेट एट 50 एंड एस डी एट 10, यानी कि इसका मीन सेट है 50 पे और एस डी 10 पे। यूज्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तभी इसको यूज करते हैं। और ये किस मामले में जेड से बेहतर है, जेड वाला क्या था, पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, लेकिन इसका मान सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा और फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। एंजॉयज एडवांटेज ओवर स्टैंडर्ड स्कोर्स एज इन इट द नेगेटिव और फ्रैक्शनल स्टैंडर्ड स्कोर्स कैन बी अवॉइडेड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मान नहीं है, पूर्णांक है कोई, मतलब फ्रैक्शन में मान नहीं है, इसलिए ये जेड से बेहतर हो जाता है। और इन टी स्केल इट इज अज्यूम्ड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, दिस इज व्हाई टी स्कोर इज कॉल्ड ए नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर। जैसे कि Z को स्टैंडर्ड स्कोर कहते हैं, उसी तरह से T स्कोर क्या है, नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर है। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ क्या है, नॉर्मल है। और T स्कोर को भी Z स्कोर में बदल सकते हैं या Z स्कोर को T स्कोर में बदल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, T स्कोर इज इक्वल टू 50 प्लस 10 Z। हमेशा क्या चल रहा है, मीन में जोड़ रहे हैं क्या, Z को उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से गुणा करके, 50 प्लस 10 Z, 50 इज इक्वल टू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 10। तो मान हमेशा धनात्मक आएगा और कभी भी पूर्णांक में नहीं आएगा इसका। ओके, तो ये नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्कोर है, ये नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जबकि जेड स्कोर क्या है, स्टैंडर्ड स्कोर है और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एम ऑफ वन एस डी, इसका फॉर्मूला क्या है, 50 प्लस 10 जेड। सी स्कोर का फॉर्मूला क्या है, 5 प्लस 2 जेड। ओके, तो याद रखिए आसान है, और अक्सर शॉर्ट नोट्स पूछते हैं, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है, थ्योरेटिकल आता है, तो शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैंडर्डाइज स्कोर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नॉर्मलाइज स्कोर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टी जेड एंड सी स्कोर, ऐसे पूछेंगे। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तब तो बहुत सारे प्रश्न है, फॉर्मूला ही पूछ लेंगे या आपको दे देंगे कि टी स्कोर का मान इतना है और मीन एस डी इतना है तो जेड स्कोर कितना होगा, या मीन स्कोर इतना है आपका, रॉ स्कोर इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है तो जेड कितना होगा, या जेड इतना है तो टी कितना होगा, टी इतना है तो सी कितना होगा। तो हमको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होंगे तो न्यूमेरिकल तो बिल्कुल आसान से, मतलब कठिन हमारा न्यूमेरिकल नहीं है, दिक्कत ये है कि हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तो आप निकाल लेंगे। ओके, सो फिनिश्ड। तो एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के पेपर में, या कहीं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के हिस्से में, या कहीं कहीं एजुकेशनल रिसर्च के किसी पोर्शन में हमारे पास ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का पोर्शन आता है, जहाँ पे हमको स्टैंडर्डाइज स्कोर पढ़ना पढ़ाना होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप टू, दैट्स नेम इज एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।